हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं संजना और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाई हूं दो ऐसे इजी और एकदम यूनिक से हेयर स्टाइल्स जो कि बहुत ही क्विकली रेडी हो जाएंगे। अगर आपको स्कूल या कॉलेज जाना है और बहुत ज़्यादा देरी हो रही है तो आप इन दोनों हेयर स्टाइल्स को ही वन बाय वन ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ एक मिनट में ही ये दोनों हेयर स्टाइल्स कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी हेयर स्टाइल है जो कि बहुत ही क्विकली रेडी हो जाएगा और आपको एकदम यूनिक सा लुक देगा। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो माय डियर यूट्यूब फैमिली, सबसे पहले यहाँ पर मैंने अपने बालों के सारे टैंगल्स को रिमूव कर दिए हैं। अब बाल एकदम स्मूथ सिल्की हो गए और टैंगल फ्री हो गए। तो ऐसे ही सेम वे में आपको भी सबसे पहले अपने बालों के गुथड़े यानी कि टैंगल्स को रिमूव कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पर बढ़ेंगे अपने फर्स्ट हेयर स्टाइल की तरफ जो कि बहुत ज़्यादा ईजी और काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। इस हेयर स्टाइल में आप बनाएंगे एक पोनी टेल, वो भी एक हेयर बैंड के साथ। हम अपने नेचुरल बालों का ही हेयर बैंड बनाने वाले हैं, मार्केट से कोई भी हेयर बैंड की जरूरत हमें नहीं है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से बालों को क्लीन करते हुए कोम कर लिया है यानी कि कंघी कर ली है और बालों का कुछ छोटा सा सेक्शन पीछे से निकाल लिया है और यहाँ बालों को थोड़ा सा बाउंसी लुक देने के लिए आगे की तरफ पुश कर दिया है जिससे हमारे हेयर थोड़ा सा बाउंसी और थोड़ा सा पफ टाइप में नजर आएंगे। अब यहाँ पर मैंने एक हाई पोनीटेल सिक्योर कर ली है। अब इस हाई पोनीटेल में कभी कभी होता है कि हमारे पास मैचिंग रबो बैंड नहीं होता, जैसे कि मैंने यहाँ पर पिंक कलर का रबो बैंड लिया है, तो उसे हम अपने बालों का एक दूसरा सेक्शन लेके ऐसे रोल कर देंगे। ऐसे रोल करने के बाद रबो बैंड हमारे बालों में बिल्कुल नजर नहीं आएगा। उसके बाद जो हमने बालों का छोटा सा सेक्शन छोड़ा था ना, उसे दो पार्टीशन में डिवाइड कर देना है। उसके बाद फर्स्ट वाले पार्टीशन का हमें बना लेना है थ्री स्टैंड ब्रेड। ब्रेड बटर वाला ब्रेड हमें नहीं बनाना है, नॉर्मल हेयर स्टाइल वाला थ्री स्टैंड ब्रेड बनाना है। बालों के तीन छोटे छोटे अलग अलग से सेक्शंस लेके उसे क्रिस क्रॉस करते जाना है और यहाँ तैयार हो गया है मेरे फर्स्ट पार्ट का थ्री स्टैंड ब्रेड जो कि पूरी तरह से अब तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पतला सा ब्रेड बना है। ऐसे ही इसे कंटिन्यू हमें नीचे तक ले जाना है और नीचे ले जाने के बाद हमें हेयर पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेना है। यहाँ पर मैंने दो हेयर पिन्स यूज़ किए हैं अपने थ्री स्टैंड ब्रेड को सिक्योर करने के लिए। फिर इसे पीछे हम ऐसे फेंक देंगे। उसके बाद दूसरे वाले जो पोर्शन है उस पोर्शन का भी हमें थ्री स्टैंड ब्रेड बना लेना है। ये जो दोनों पोर्शन है ना फ्रेंड्स, हमें इक्वल लेना है। ऐसे नहीं कि एक ब्रेड जो है बहुत मोटा बन गया और एक पतला, ऐसा नहीं करना। दोनों को सेम प्रपोर्शन में ही बनाना। यहाँ हमारा दूसरा थ्री स्टैंड ब्रेड भी तैयार हो चुका है। अगेन हम इसे पहले वाले की तरह हेयर पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब यहाँ पर दोनों पार्टीशन का थ्री स्टैंड ब्रेड तैयार हो गया है। अब हम इसे क्रिस क्रॉस कर लेंगे, आपस में ही लपेट देंगे और जो हमने हेयर पिन सिक्योर किया था ना उसे रिमूव कर देंगे। फिर क्रिस क्रॉस करके जो हमने बालों को सेट किया है उसे इसी तरह से पूरा घुमा लेंगे और पीछे बालों में दूसरे साइड में हेयर पिन की हेल्प से सिक्योर कर देंगे। अब ये वाला हेयर स्टाइल हो चुका है कंप्लीट। एकदम प्यारा सा हेयर बैंड जैसा लुक आ गया है। हाई पोनीटेल की हाई पोनीटेल भी हो गई है और एक हेयर बैंड भी बन गया है। हेयर बैंड को हम आगे पीछे जैसा मन हो वैसे हम शिफ्ट कर सकते हैं। छोटे छोटे से हेयर अगर सामने आ जाते हैं तो उसे और अच्छा स्टाइल देने के लिए आप अपने फ्लिक्स निकाल लें। ये वाईफाई एंटीना की तरह काम करता है, हमेशा दो कॉकरोचेस जैसे आगे रहेगा और आपको हाईफाई सा लुक देगा। यहाँ पर इसी हेयर स्टाइल को हम दूसरे वे में भी कर सकते हैं। जैसे ये तो हो गया हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल पोनीटेल का। अब सेम हेयर बैंड वाले हेयर स्टाइल को हम खुले बालों में भी अपने ऊपर ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने अपने पोनीटेल को फिर से खोल दिया है, अपने बालों को बिखेर दिया है। अब यहाँ पर ये हेयर बैंड वाला लुक और भी ज़्यादा प्रिटी प्रिटी सा लग रहा है। जब आप इस हेयर स्टाइल को ट्राई करेंगे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये एक तरह का हेयर स्टाइल आप तीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला पोनीटेल के साथ, दूसरा खुले बालों के साथ हेयर बैंड बना के, और तीसरा ऐसे पीछे की तरफ झूला झुलाते हुए भी हम इस हेयर स्टाइल को ट्राई कर सकते हैं। मुझे पीछे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब आपके पास कोई हो तो आप उसकी हेल्प लेकर इसे अच्छा लुक दे सकते हैं। अब हम ट्राई करेंगे हमारा तीसरा लुक जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है, एकदम 10 टू 20 सेकंड में रेडी हो जाएगा। बालों को टैंगल फ्री कर लेना है। बालों का एक छोटा सा सेक्शन आगे से एकदम सेंटर से हमारे फोरहेड के सेंटर में जो हेयर्स होते हैं उसका एक छोटा सा सेक्शन ले लेना है और पीछे हमें पोनीटेल बना लेनी है। पोनीटेल के बाद ये वाला फ्लिक्स की तरह बहुत प्यारा लुक देगा, आपके फेस पर बहुत प्यारा सा एक यूनिक सा लुक देगा। पोनीटेल को ऊपर से एकदम बाउंसी बाउंसी सा रखना है और हाई पोनीटेल बना लेना है।
होता है। अब ये वाला फ्लिक्स आप लेफ्ट साइड से भी रख सकते हो और अगर आप चाहो तो इस फ्लिक्स को आप राइट साइड से भी रख सकते हो। एक ही फ्लिक्स आप दोनों तरफ घुमा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब इस सिंगल हेयर स्टाइल में भी मैंने आपको 2 से 3 पैटर्न दिखा दिए हैं लेफ्ट और राइट फ्लिक्स वाले। अब आपको तीसरा पैटर्न इसी हेयर स्टाइल में मिल जाएगा कि जिसके फॉरहेड बहुत ज्यादा चौड़े होते हैं ना, माथा बहुत ज्यादा चौड़ा होता है, वो अपने फॉरहेड को भी इजिली कवर अप कर सकता है सेम हेयर स्टाइल में। तो ऐसे ही अपने फ्लिक्स को एक साइड ले जाना है और उसे ऐसे ही फ्लैट सरफेस जैसा बना देना है अपने फॉरहेड वाले एरिया में। एकदम फेस जो है आपका छोटा सा लगने लगेगा, फॉरहेड का जो बड़ा सा पोर्शन है वो भी छोटा हो जाएगा। अब यहाँ हम बढ़ेंगे अपने चौथे हेयर स्टाइल यानी कि हमारे लास्ट हेयर स्टाइल में। इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ टोटल शेयर किया है 4 वीडियो। अब इस चारों में से अगर आपको एक हेयर स्टाइल भी पसंद आता है ना तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर सारे ही हेयर स्टाइल्स पसंद आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक और उसे अपने गोली गैंग या फिर अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर करना। तो यहाँ पर हमने मिड सेंटर से अपने बालों को 2 पार्टीशन में डिवाइड कर लिया यानी कि बीच की मांग निकाल ली है और छोटे छोटे से बालों के 2 सेक्शन ले लिए हैं, उसे इस तरह से रोल कर दिया है। रोल कर देने के बाद हमने पीछे सिक्योर कर लिया। बहुत ही ईजी सा हेयर स्टाइल है। इस 4 हेयर स्टाइल में ये वाला हेयर स्टाइल सबसे ज्यादा ईजी है। अब इसमें भी 2 पैटर्न है, अगर आप चाहें तो इसे 2 रोल करके डिवाइड कर सकते हैं या फिर ऐसा सिंगल पतला सा सिंगल रोल भी रख सकते हैं। वैसे मुझे अगर पर्सनली पूछा जाए तो फर्स्ट वाले जो 2 रोल्स है ना उससे ज्यादा अच्छा लगा ये सिंगल साइड का 1 रोल। यहाँ पे 2 रोल्स है और यहाँ पर सिर्फ 1 ही रोल है, तो मुझे 1 रोल वाला हेयर स्टाइल सबसे ज्यादा पसंद है। एकदम प्यारा सा लुक देता है, एकदम डिसेंट और सिंपल सा प्रोफेशनल लुक देता है। एक बार इन 4 हेयर स्टाइल को जरूर ट्राई करना। सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू। बाय बाय।